बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और आसान चेरी का जूस, जिसके लिए हमने चेरीज ले ली हैं 15 से 20 अदद। चीनी लेंगे, उसके बाद हमने एक ग्लास के करीब पानी लिया है और आखिर में जाएंगे आइस क्यूब्स। सबसे पहले हम चेरीज के स्टेम रिमूव कर लेंगे, बिल्कुल इसी तरह से बाकी सबके भी स्टेम्स रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पर हमने एक ब्लेंडर जार लिया है, उसके अंदर सारी चेरीज डाल देंगे। 1.5 टेबल स्पून चीनी डालेंगे, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक ग्लास पानी डालेंगे। इसके टेस्ट को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए या थोड़ा डिफरेंट करने के लिए आप इसके अंदर काला नमक भी डाल सकते हैं। अब एक बॉल में इसको स्ट्रेन कर लेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ अलहदा हो जाएं। अब चूंकि गर्मियां हैं तो इसको मज़ीद रिफ्रेशिंग करने के लिए आइस क्यूब्स डालेंगे। अब तैयार किया हुआ चेरी का जूस ग्लास में डालेंगे। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़ेदार, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिंस चेरी का जूस तैयार है। आप भी इसी तरह बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से घर में बनाएं और इसको एंजॉय करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आपने अब तक मेरे YouTube चैनल अराई फूड प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब करें, साथ में दिए हुए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अराई फूड प्लस के इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक मिल जाएगा, आप मज़ीद फन फूड वीडियोस के लिए वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, इसी दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़।